हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं इस कंटिन्यू कर रहा हूँ एयरफोर्स की जो हम स्पेशल क्लासेज चला रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। फोर्थ यूनिट हम पढ़ेंगे 12th क्लास की। तो इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो हम ये फोर्थ यूनिट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम है। 12th क्लास की जो है फोर्थ यूनिट है, टोटल इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट 11th क्लास में है। तो बारी बारी हम इनको कवर करेंगे, जो भी टाइम लगेगा उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले देखो एक चीज़ पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, क्या होता है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर जो है क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं। जो ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना, जैसे लाइट फ्लक्स हो तो लाइट को इकट्ठा करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। तो इट इज़ ए मेजर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो याद रखो इसका। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होता है B.ds, ठीक है। अब थ्रो ए क्लोज सरफेस, इसकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज होती है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होता है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म वो होता है जीरो। यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ, ∇.B इज जीरो। इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसको ध्यान दो कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा थ्रू ए क्लोज सरफेस वो जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल का मतलब जो है एक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऑलवेज जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। तो एक मैग्नेट अगर लगा दें और वो क्लोज सरफेस के अंदर रख दें तो जितनी फील्ड लाइंस उसमें से निकल रही हैं बाहर उतनी ही फील्ड लाइंस उसके अंदर आएंगी। मतलब टोटल जो ये फील्ड लाइंस होती हैं वो लोग क्लोज सरफेस होगा तो टोटल फील्ड लाइंस जो होंगी वो भी क्लोज ही रहेंगी, ठीक है। ओपन फील्ड लाइंस नहीं होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जो एक पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट करेगा तो वो इक्वल और अपोजिट पोलरिटी का पोल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। साउथ और नॉर्थ पोल मैं कहूँ कि वो हमेशा यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, ये है गॉस थ्योरम, मेरी गॉस थ्योरम। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी पढ़ी थी गॉस थ्योरम, वो क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन फ्री स्पेस के अंदर एप्सिलॉन नॉट लेंगे, मीडियम के अंदर कुछ भी एप्सिलॉन लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ जीरो होती है, ठीक है। तो ये मेरा था मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एक क्लोज सरफेस के अंदर चेंज हो रहा है, या फिर मैं कहूँ कि किसी की वजह से दूसरे चीज के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ये तो था क्लोज सरफेस के अंदर जीरो होता है, लेकिन हो सकता है कि भाई कोई और दूसरा सरफेस लो पास में और हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज कर रहे हैं किसी तरह से। तो अभी पढ़ेंगे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए था अब फराडे ला, फराडे ने ला दिया, क्या क्या ला दी भाई देखो। फर्स्ट ला ये कहता है कि इफ़ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजेड विद टाइम, इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंजेड विद टाइम, देन देर इज EMF इंड्यूस्ड इन दैट, EMF इंड्यूस्ड, देन देर इज EMF इंड्यूस्ड। इससे पहले एक चीज़ और पढ़ते हैं जरा, क्या है देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैंने ऐसा यूनिट जो है वो बताई नहीं आपको क्या होती है। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने क्या बताया, इट इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से देखो टेस्ला बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी बन रही है मीटर स्क्वेयर, तो इसको हम बोलते हैं वेबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनती है यूनिट वेबर। अब टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, यहाँ से भी बन रही है एक वेबर पर मीटर स्क्वेयर। देखो मैंने कल कहा था कि टेस्ला या फिर मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट और होती है, वो क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वेयर। यूनिट जो है इंपॉर्टेंट बनती है, एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो ईजिली पूछा जाता है यहाँ से, तो वैसे तो एक नंबर के आते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो वेबर पर मीटर स्क्वेयर जो है वो आसानी से आप क्लिक कर देंगे अगर आपको ये यूनिट याद होगी तो। इसकी CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं तो इसको भी याद कर लो।
मैक्सवेल इसकी सीरियस यूनिट है। मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट का नाम है जैसे फराडे भी है, ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान रखनी है। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सरफेस के अंदर है तो वो क्या, वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या बताया था मैंने, ईएमएफ था पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ओपन सर्किट। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रिलेशन हमने पढ़ी थी तब, तो वही है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जब सर्किट जो है ओपन होता है तब। अब सेकेंड लॉ जो कहता है कि ईएमएफ जो है कितना इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा मेरा, या फिर ई लिखो या फिर ई से कभी एलिमेंट्री चार्ज समझ लो इसको, तो ऐसे एप्सिलॉन लिख लो, ठीक है। ईएमएफ का सिंबल ये भी होता है, या फिर सिंपल ई लिख लो आप, क्योंकि सिंबल सारे एक जैसे हैं तो कन्फ्यूज़ होने के चांसेज होते हैं इसमें। ई को इलेक्ट्रिक फील्ड मत समझ लेना, या फिर परमिटिविटी भी मत समझ लेना, ये है ईएमएफ, या फिर इसको आप ऐसे लिख लो ईएमएफ, ठीक है, ये सही रहेगा। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो सिंबल है ये फाई का सिंबल है, फाई जैसे आपने एंगल पढ़ा होगा, फाई जिसको हम बोलते हैं फाई, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कोई सा भी फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, मैग्नेटिक है तो मैंने यहाँ पे एम लगा रखा है, या फिर आप बी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और इस ईएमएफ इंड्यूस की जो डायरेक्शन दी फिर वो किसने दी, लेंज ने दी। लेंज, लेंज लो क्या कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस था ना, वो जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या है कि उसको अपोज करेगा, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है ना उसको अपोज करेगा। देखो इसको लैंग्वेज से समझना मुश्किल काम है, तो ज़रा इसको मैथमेटिकली समझते हैं ज़रा क्या है, मैथमेटिकली नहीं हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ज़रा क्या है। देखो एक मैंने कोई भी कोयल मान ली, रिंग मान ली, ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं हम, देखो ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा, मैं बस इसको थोड़ा सा ही करवाऊँगा कि एक मैग्नेट ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है जाएंगी इधर उधर हर जगह जाएंगी। अगर इसको मैं पास लेके आऊँ या फिर इसको दूर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कम या ज़्यादा होंगी, तो इसका मतलब यहाँ इसका फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। लेट्स से मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर की साइड में, ठीक है, अब जिससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा ईएमएफ इंड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ जो है इसको अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए देखो इसका मोशन जो है इस साइड में है, तो इसको अपोज करने के लिए उस साइड में धकेलने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए मेरे पास। देखो नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल आएगा तभी तो रिपेल करेगा, तो यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब जो है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। करंट जो इंड्यूस हो गया इसके अंदर, या फिर मैं कहूँ ईएमएफ जो इंड्यूस हो गया वो इसको अपोज करेगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी जब मैग्नेट इसकी तरफ लेके आएंगे हम, तो इससे दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा, देखो दूर लेके जा रहा हूँ इसको तो अब क्या होगा, दूर लेके जाएंगे तब भी इसको अपोज करेगा, दूर लेके जा रहे हैं तो दूर लेके जाएंगे तो कैसे अपोज करेगा, देखो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो इधर कौन सा पोल आना चाहिए मेरे पास, साउथ पोल आना चाहिए, तो साउथ पोल जो है वो कैसे बनता है, साइक्लिक क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ करंट, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, साउथ पोल बन गया मेरा। तो ये है लेंज लॉ। लेंज लॉ ने क्या दिया, डायरेक्शन दी कि ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा। अब इसी चीज़ का यूज करते हुए जो एक इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधा इस पे ये आता है कि चेंज इन फ्लक्स दे देंगे कितने टाइम में कितना चेंज फ्लक्स हो रहा है, तो बस इनको डिवाइड करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना, माइनस साइन भी लगाना है क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, माइनस साइन लगाना है। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, वैसे मैं रफली इसको बता देता हूँ जरा होता क्या है। देखो कि चेंज इन फ्लक्स दे देंगे तुम्हें, ये फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स दे देंगे आपको भाई, कुछ भी दे देंगे, फाई वन दे देंगे, फाई टू दे देंगे, टी वन दे देंगे, टी टू दे देंगे, ठीक है, किस टाइम पे कितना फ्लक्स है ये दे देंगे, तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन दैट क्लोज सर्किट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे ये फ्लक्स हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इनको बस माइनस करना है, फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, और उनको डिवाइड कर देना है यहाँ पे, फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन,
ठीक है, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन जो है इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा बस, और कुछ नहीं। अगर आंसर में माइनस साइन नहीं है तो माइनस को छोड़ देना है, बस आपको पॉजिटिव साइन पे ही स्टिक रहना है। ठीक है, तो बस इनका सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड बाई इनका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, यूनिट जो भी आएगी क्या आएगी, वेबर पर सेकेंड आएगी, या फिर मैं कहूँ EMF की जो यूनिट होती है क्या होती है, वोल्ट होती है, वही यूज होगी बस। तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट। ठीक है, तो चलो इसमें और क्वेश्चन आप कर लेना ट्राई, या फिर मैं करवाऊंगा जो है, एक बार यूनिट जो है एक दो यूनिट ख़त्म हो जाएंगी तब उन दो दो तीन यूनिट्स के एक साथ ही क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो चलो इसमें आगे चलते हैं। अब क्या है देखो, सेल्फ इंडक्टेंस, देखो नाम से दिख रहा है ये क्या है, सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप जो है वो क्या करता है, इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस करता है, अपने आप इंड्यूस करेगा। जैसे एक कोयल है वो मैंने लगा दी एसी सोर्स से, ये मेरा एसी सोर्स है, एक कोयल है, इसको हम बोलते हैं, कोयल को इंडक्टर भी बोलते हैं हम, जैसे हमने कैपेसिटर पढ़ा था ना, सिमिलरली ये भी जो क्या है क्या करता है, इंडक्टर जो है एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, इसका हम फार्मूला भी पढ़ेंगे कितनी एनर्जी ये स्टोर करता है, इंडक्टर को हम लिखते हैं एल से। ठीक है, या फिर मैं कहूँ सेल्फ इंडक्टेंस है, एक कोयल हो तो सेल्फ इंडक्टेंस, दो हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, देखो यहाँ से जो है करंट आएगा, इसमें मान लिया पॉजिटिव सिंबल इधर है तो इसमें से करंट आएगा, अगर इस करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके आक्रोश जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, क्योंकि करंट जो है डिपेंड करता है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, करंट इसका इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है इंक्रीज होगा, या फिर मैं कहूँ चेंज होगा, तो उसको अपोज करेगा, ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको अपोज करेगा इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा, तो अपोज करेगा तो मतलब क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट होगा, है कि नहीं, इंड्यूस करंट जो होगा इसकी अपोजिट साइड में होगा, मतलब इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इस करंट को मैं डिक्रीज करूँ तो ये जो है डायरेक्शन सेम, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इस करंट को अपोज करेगा, हमेशा अपोज करता ही ध्यान रखना है। ये अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको छोड़ दो, क्योंकि मैथमेटिकली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो क्या होगा, देखो इसका जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे। तो यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाएंगे इसको प्रोपोर्शनलिटी को, तो आता है एल, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इसके अंदर अपने आप इंड्यूस हो रहा है अगर इसको हम सर्किट में लगा दें तो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टर भी बोलते हैं, इंडक्टर जो क्या करता है ये, दिस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। और कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये, एनर्जी स्टोर विल बी, जैसे कैपेसिटर के अंदर हमने पढ़ा था कि हाफ सी वी स्क्वेयर होता है, इसके अंदर होता है हाफ एल आई स्क्वेयर। ठीक है, आई जो है करंट है इसके आक्रोश, एल जो है उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट जो है क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये है हेनरी, जिसको हम लिखते हैं एच से। हेनरी यूनिट में ज़्यादातर यूज नहीं होते, तो यूज होते हैं ज़्यादातर मिली हेनरी, तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको मिली हेनरी, इसका मतलब है 10^-3 हेनरी, इसको हम बोलते हैं मिली, मिली का मतलब 1/1000। ठीक है, तो इसकी यूनिट है हेनरी, एच इसका सिंबल है, और इसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस, इसके अंदर अपने आप इंड्यूस हो रहा है करंट, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बस इतना याद रखो आप, इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है, एनर्जी स्टोर करने के काम आता है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वेयर, सेम सा एक्सप्रेशन है, उसमें कैपेसिटर के अंदर आता है हाफ सी वी स्क्वेयर, कैपेसिटेंस आता है, वोल्टेज आता है, यहाँ पे इंडक्टर और इंडक्टेंस और करंट आता है। ठीक है, तो ये था मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। अब मैं एक चीज़ और पढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस की जगह हम पढ़ेंगे अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल कब होगा, देखो म्यूचुअल मतलब आपस में, तो आपस जब कब होगा, जब कोई भी दो चीज़ होंगी, है ना, दो चीज़ें होंगी तभी तो आपस में आएगा, देखो मतलब इसका मतलब क्या है कि दो कॉइल्स होंगी उसके अंदर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर मैं दो कॉइल लगा देता हूँ, लेट से एक कॉइल मैंने लगा दी,
दूसरी कॉइल भी मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सेकंड कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा, तो वो किसकी वजह से आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा। इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, इसके अंदर जो इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आएगा। देखो इसका पावर सप्लाई जो एसी पावर सप्लाई लगाई है मैंने, इधर मैंने मान लिया पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव करंट जाएगा, है ना। तो करंट जाएगा तो इसको, लेट से मैंने करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ या मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर, है ना। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव सिंबल जा रहा है तो इंड्यूस होगा इधर कौन सा, नेगेटिव जाएगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव गया, यहाँ पे नेगेटिव गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव इसके अंदर जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो इंड्यूस होगा। हम देखो इसको ऐसे से बनाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन होता है, ठीक है। मतलब इसकी वजह से इसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंड कॉयल जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट इन प्राइमरी कॉयल है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो ये आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी भी यूनिट जो है वो हेनरी ही होती है, हेनरी, ठीक है, यहाँ तक सही है। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसके प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज कर रहे हैं तो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो है म्यूचुअल, इसकी वजह से इसके अंदर, और इसके अंदर अपने आप भी हो रहा है, वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। बस इसको ज़्यादातर ध्यान नहीं देना है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फाई इज इक्वल्स टू एम आई। ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के अंदर है, करंट जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर है। आप इसको वन भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि फर्स्ट जो है प्राइमरी कॉइल के अंदर जो है ये करंट जो है इंड्यूस, करंट जो है इसके अंदर जा रहा है वो है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ देते हैं, बस इतना ही करेंगे इसको। अब देखो एक चीज़ और मैं करवा देता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ लिया था और ईएमएफ इंड्यूस हमने पढ़ लिया था, तो इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस की टर्म्स में मैं ईएमएफ इंड्यूस में निकालता हूँ तो कितना आएगा। जो ईएमएफ इंड्यूस हमने पढ़ा वो क्या है, चेंज इन फ्लक्स विद द टाइम। अब फाई की वैल्यू अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस की टर्म्स में निकालूँ तो क्या आएगा, एल आई, है ना। और यहाँ से ईएमएफ जो है वो क्या बन गया अपना, एल जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, इंडक्टेंस जो है इसको बाहर कर लो, डी आई बाई डी टी। तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है। अगर मैं किसी भी कॉयल के अंदर करंट जो है चेंज करता हूँ तो उसके अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्वेश्चन में ये आ सकता है कि करंट दे देंगे कुछ भी, एक्सप्रेशन ऑफ 5t², तो फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन ए कॉयल विद सेल्फ इंडक्टेंस, दे देंगे उसका कुछ और ईएमएफ निकालो। तो बस इसका डेरिवेटिव करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है बस, ठीक है। और कोई भी टाइम दे देंगे जिस टाइम पे हमें निकालना होगा, तो वो टाइम उसमें पुट कर देना है। इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन पे हर बार जो है पेपर में आया हुआ है, मैंने चेक किया है तो कई सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल मल्टीप्लाई बाई डी आई बाई डी टी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो अब क्या है, नेक्स्ट देखो इसमें अब है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक दो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक ऐसा करंट है जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये काइंड ऑफ साइन की फॉर्म में आता है ऐसे, अल्टरनेटिंग करंट, या मैं कहूँ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स आई जो है, या फिर ईएमएफ सोर्स। तो आई को मैं लिखता हूँ कुछ इस फॉर्म में और ईएमएफ को भी मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ इस फॉर्म में। साइन या कोस जो है दोनों दोनों आ सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे कोस भी लगा सकते हो क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, उसके अंदर भी जो है ये टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आप दोनों ही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने घरों के अंदर जो है अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पे जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2π (μ). ये म्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने ओसिलेशन हैं कितने टाइम के अंदर। देखो यहाँ से यहाँ तक जो है एक ओसिलेशन पड़ता है,
तो ये ऐसे ओसिलेशन जो है कितने टाइम के अंदर कितने कवर कर रहा है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फास्ट फास्ट ये चलेगा, कम होगी तो धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ये होता है 2 पाई इंटू में जो नॉर्मल लीनियर फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं जिसको हम, और ये एक्सप्रेशन है करंट और ईएमएफ का अल्टरनेटिंग करंट के लिए एसी के लिए। और अपने जो नॉर्मल हाउस होल्ड में है तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास वो आती है 50 हर्ट्ज़ आती है। ठीक है, और ये चीज़ें याद करके इसके बाद हम चलते हैं, देखो क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, या फिर मैं कहूँ एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो है वो कितनी आएगी। देखो साइन की वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, जस्ट इन दोनों के बीच में। बीच में कितने हैं, 0 है। फॉर फुल टाइम पीरियड के लिए मैं लिख रहा हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो है एसी के लिए कितनी होती है, 0 होती है, कभी प्लस कभी माइनस ऐसे चलता रहता है। सिमिलरली अब आरएमएस की वैल्यू मैं बात करूँ, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर जो स्क्वायर का जो रूट है, और स्क्वायर का पहले मीन करेंगे, एवरेज निकालेंगे स्क्वायर करंट का और उसका फिर रूट करना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, या फिर इसको मैं लिखूँ 0.707 आई नोट। सिमिलरली ई आर एम एस जो है, ई एम एफ ऑफ आर एम एस वैल्यू जो है वो भी ऐसे ही आएगी ई नोट बाई रूट 2। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं बहुत अच्छी तरह से। अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये वेरी नहीं करती है ई आर एम एस जो है आर एम एस वैल्यू। इसलिए हम कहते हैं कि जो अपने घरों में जो वोल्टेज आती है वो आर एम एस वैल्यू ही आती है। कितनी आती है भाई, हम मानते हैं कि 220 वोल्ट आती है, नॉर्मल जो घरों में यूज़ होती है बिजली उसके अंदर 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई एक आरएमएस वैल्यू दे देंगे आपको भी घरों में क्या यूज़ होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं और वो हमसे पूछ लेंगे कि मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है, तो उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो आएगी मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, अपने घरों में आती है रूट मीन स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर, रूट आर से रूट, एम से मीन और एस से बन गया स्क्वायर। इसका मतलब जो है क्या है कि स्क्वायर करके और उसका मीन करना है और फिर उसका रूट निकालना है हमें, मतलब करंट का स्क्वायर करना है या ईएमएफ का स्क्वायर करना है, उसका हमें मीन करना है और फिर उसका हमें रूट करना है। ठीक है, तो ये है हमारा ई आरएमएस, या फिर मैं कहूँ करंट का आरएमएस वैल्यू जो है। ठीक है, तो ये आपको कुछ स्पेसिफिक जो टर्म्स हैं ये आपको याद रखनी है कि क्या क्या वैल्यू होती हैं। अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होगा एक सर्किट के अंदर, तो आरएमएस या फिर मैं कहूँ कि करंट और वोल्टेज में कितना एंगल होगा, कौन सा आगे चलेगा कौन सा पीछे चलेगा, तो वो चीज़ें याद करने का एक बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ आपको क्या है कि एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो, तीन तरह की चीज़ें हमने पढ़ ली अभी तक, कैपेसिटर, इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, तो वो तीनों हो या फिर एक एक चीज़ें हो तो क्या क्या चीज़ें जो होंगी इसके अंदर, ये मैं एक ये फेज डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। फेज डायग्राम ये आपको अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए, इसको याद करने का बेस्ट तरीका मैं अभी बताता हूँ। लेट्स से करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस होगा, अगर एक रेजिस्टेंस तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी सेम ही आएगी, मतलब वोल्टेज की और करंट की डायरेक्शन जो है सेम होगी फॉर ए रजिस्टर, मतलब करंट और वोल्टेज आर अक्रॉस रजिस्टेंस आर इन सेम डायरेक्शन, या फिर मैं कहूँ इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, फेज डिफरेंस, मतलब दोनों की दोनों जो है वो साथ साथ चल रही हैं, मतलब एक जैसे साइन की फॉर्म में जा रहा है करंट तो वो भी दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो सकता है हालांकि सेम ही जाएगा, करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ईएमएफ या फिर वोल्टेज का। तो रेजिस्टेंस के केस में दोनों साथ चलेंगे, इंडक्टर के केस में जो है अब इसको भूल जाना है, अब करंट करंट रखना है इधर, इंडक्टर के केस में और ये है कैपेसिटर के केस में। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होती है वो करंट से जो है आगे चलती है, इन केस ऑफ इंडक्टर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज लीड्स,
वोल्टेज लीड्स करंट, मतलब कितना करंट कितना लीड करेगी भाई, पाई बाय टू एंगल से, या मैं कहूँ पाई बाय टू फेज डिफरेंस से। फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस जो है वो कितना आएगा, पाई बाय टू। ये वैल्यू भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनती है, पाई बाय टू। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, फॉर एक इंडक्टर जो है फेज डिफरेंस कितना होता है वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन में, या फिर मैं कहूँ वोल्टेज और करंट के प्रोपोगेशन में कितना फेज डिफरेंस आएगा, पाई बाय टू फेज डिफरेंस आता है। इसको आप इस डायग्राम से याद कर सकते हैं, बेस्ट तरीका यही है। यहाँ से देखो कैपेसिटर क्या दिख रहा है, कैपेसिटर की आक्रोस जो वोल्टेज होगी वो क्या करेगी, इससे लैग्स बिहाइंड, पीछे चलेगी, कितने बाई, पाई बाय टू एंगल से। इन केस ऑफ कैपेसिटर जो है मैं कहूँगा कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड विद करंट, विद करंट कितने एंगल से, विद फेज डिफरेंस पाई बाय टू। ठीक है, पाई बाय टू तो इसमें भी था और इसमें भी, लेकिन इसके अंदर वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है, इसमें वोल्टेज आगे चल रही है करंट से। ठीक है, ये बात इसमें याद रखने लायक थी। एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि कैपेसिटर के अंदर जो है, या फिर मैं कहूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, मतलब कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस कितना होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से। इसकी वैल्यू होती है 1/C ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π μ, सी इसमें ऑलरेडी है ही। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, या फिर मैं कहूँगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब ये डीसी के लिए, फॉर डीसी, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो होती है, उसके केस में जो ये रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा भाई, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब जो क्या है, कैपेसिटर जो है वो डीसी को जाने ही नहीं देगा, रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होगा। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब वो करंट को जाने ही नहीं देगा भाई, पूरा का पूरा रजिस्ट करके रखता है। तो मैं कहूँगा कि कैपेसिटर जो है ब्लॉक्स डीसी, ब्लॉक डीसी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बनती है कि डीसी जो है उसको ब्लॉक करेगा कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है उसका इनफाइनाइट हो जाता है फॉर कैपेसिटर के केस में। फॉर इंडक्टर के केस में हम देखते हैं, अब इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है, उसको हम लिखते हैं XL से L इंटू में ओमेगा, L इंटू में 2π μ। ठीक है, अब फॉर डीसी के लिए ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, डीसी के लिए वही फ्रीक्वेंसी जो है जीरो होती है, तो XL की वैल्यू जो है कितनी आएगी, 0 ओम आएगी। मतलब कोई भी रेजिस्टेंस जो है डीसी के लिए, इंडक्टर जो है कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। मतलब इंडक्टर तो आप ना ही लगाओ तो भी बढ़िया है कुछ भी, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस ऑफर कर ही नहीं रहा डीसी सोर्स के लिए, डीसी बैटरी के लिए। तो हम कहेंगे कि भाई इंडक्टर जो है कोई काम का नहीं है फॉर डीसी के लिए, ये सिर्फ काम आता है एसी के अंदर। कैपेसिटर जो है वो भी एसी के अंदर ही काम आता है, क्योंकि डीसी के अंदर तो वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगा, करंट आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करेगा, और इंडक्टर जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा फॉर डीसी के लिए। तो ये चीज़ें फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। एल ओमेगा जो है ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, 1/C ओमेगा जो है ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि सीरीज LCR सर्किट के अंदर, सीरीज LCR सर्किट के अंदर एक रेजोनेंस कंडीशन आती है, सीरीज LCR सर्किट के अंदर, मतलब L, C और R जो है, मतलब इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में लगाएं, LCR, उसके अंदर जो है एक रेजोनेंस कंडीशन आती है, वो आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। इस पे क्वेश्चन जो है वो बनता है, रेजोनेंस कंडीशन जो है वो क्या है, रेजोनेंस कंडीशन वो है जहाँ पे जो है करंट जो है वो क्या हो, करंट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। अब रेजिस्टेंस इन तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा, अब कितना कम होगा या फिर कितना होगा, तो उस केस में जो है XL जो है XC के बराबर होगा। इसका डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा ये याद रखो, फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज LCR सर्किट
एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, मतलब ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, दोनों ही बराबर होंगे। एल ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन सी ओमेगा, और ओमेगा स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई एल सी, और ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वन बाई रूट एल सी, और ओमेगा जो होता है वो टू पाई इंटू में म्यू होता है, तो म्यू कितना आएगा वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी। ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, अगर एल की वैल्यू गिवन हो सी की वैल्यू गिवन हो तो पूछ लेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी होगी उस सर्किट के लिए। तो एल की वैल्यू आपको याद रखनी है एसआई यूनिट के अंदर लेनी है, हेनरी के अंदर, मिली हेनरी है तो उसको हेनरी में कन्वर्ट करना है। कैपेसिटर की वैल्यू फेराड के अंदर लेनी है, अगर माइक्रो फेराड में है तो उसको फेराड में कन्वर्ट करना है। तो ये थे सीरीज एलसीआर सर्किट का कुछ जो रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो आपको याद रखने हैं वो है। बाकी तो और भी चीज़ें हैं, पावर फैक्टर है और इंपीडेंस भी है, कितना इंपीडेंस होता है एलसीआर सर्किट के अंदर, तो वो चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनती। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है, ये सीधा फार्मूला भी इस क्वेश्चन आता है, वन बाई टू पाई रूट एल सी, ये यूज करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो इसके कुछ क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो इसके क्वेश्चन के एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो अगले यूनिट के साथ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ। इन दोनों यूनिट्स के क्वेश्चन जो हैं हम दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है, दोनों यूनिट्स के क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 30 दिन का टारगेट है, 30 दिन में ही पूरा कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, आराम से 20 ही दिन में कर देंगे हम दो। फिर हम कुछ इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्लस में कुछ मैथ के भी टॉपिक्स मैं करवा दूंगा।